हम लोग उत्तराधारी जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पालीन का जो स्टूडेंट है बिना पढ़ाई का बेहतर है, क्योंकि टीचर नहीं है। एकेडमिक सेशन खत्म हो रहा है, कोर्स खत्म नहीं हो रहा है, सिलेबस जा रहा नहीं है, तो हम लोग को स्टूडेंट लोग दुख को बता रहा है और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को बता रहा है और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट का जो ग्रीवेंसेस को दुख को समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट द एजुकेशन डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली एंड स्टेट गवर्नमेंट एज ए जनरल क्या कर रहा हमको तो पता नहीं, लेकिन ये क्लियर कट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर्टिकुलर जो है स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम को समझने के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। अभी एकेडमिक सेशन को तो हो रहा है, सिलेबस नहीं जाने के कारण से पूरा स्टूडेंट तो उधर में हैम्पर हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। इसलिए हम लोग ने ये डिमांड किया था कि इमीडिएट ट्रांसफर पोस्टिंग, मतलब रिलीवर्स जो एट टीचर्स का अगेंस्ट में जो ट्रांसफर हुआ था, एक ही सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो लोन्स हायर सेकेंडरी है पालिन में करादादी में, वहां से एक एट पीजीटी टीचर्स वन टाइम में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। तो आप लोग सोचिए कितना मतलब जो एकेडमिक सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम को हैम्पर होगा स्टूडेंट लोग का ऊपर में। सो इसलिए हम लोग ने ये डिमांड किया था कि इमीडिएट मतलब रिलीवर्स भेजने के लिए, और उसमें जो कुछ तीन जो है आउट ऑफ एट में से तीन का रिलीवर्स भेजा हुआ है, लेकिन रिलीवर्स जो है अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है उसमें। किसलिए वो ज्वाइन नहीं हुआ उसको पता नहीं है, लेकिन वो अथॉरिटी कंसर्न जैसे सेक्रेटरी से सेक्रेटरी एजुकेशन एंड कमिश्नर एजुकेशन का भी हम लोग ये रिपोर्ट किया है कि ये लोग रिलीवर्स भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसका अगेंस्ट भी मतलब उसका ऊपर भी आप लोग डायरेक्शन दे दीजिए, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है और रिलीवर्स लोग भी ज्वाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसलिए आज हम लोग करा देते डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, कल ये रिलीवर्स के ऊपर में भी हम लोग FIR दर्ज करने जा रहे हैं, जैसे आप लोग को जस्ट इंटीमेशन बता रहे हैं क्योंकि ये नेग्लिजेंस कर रहा है कि एजुकेशन स्टूडेंट का ऊपर में मतलब अन्याय कर रहा है मतलब। और दूसरा बात कि इमीडिएट अप्रूवल ऑफ गेस्ट टीचर प्रपोज बाय द DDSA करादादी डिस्ट्रिक्ट, जो करादादी डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था कि गेस्ट टीचर के लिए प्रपोजल भेजो कि DDSA, हम लोग इंटायर डिस्ट्रिक्ट में टीचर का शॉर्टेज बहुत है, सो दैट DDSA करादादी जो है गेस्ट टीचर के लिए 14 पोस्ट भेजा था, प्रपोजल भेजा था, उसको भी अभी तक अप्रूव नहीं किया क्योंकि कमिश्नर का हाथ में है अभी फाइल जो है, और कमिश्नर जो है सुनने में है दिल्ली में है। तो अभी मिड सीजन है, एकेडमिक का मिड सीजन है, और यहां मैं एजुकेशन एकेडमिक का ये में बारे में चिंता नहीं करके दुनिया भर का ग्रीवेंसेस स्टूडेंट का प्रॉब्लम्स प्लेसिंग हो रहा है, लेकिन वो उसको क्या टेकर नहीं करके दिल्ली में बैठा हुआ है। सो देट हम लोग का दूसरा डिमांड ये है कि इमीडिएट जो है गेस्ट टीचर के लिए जो प्रपोज भेजा है उसको मतलब ये जो अप्रूव करना है। और सेकेंड जो आप लोगों को भी पता है, पहले भी हम लोग उसको बता भी चुका था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट जो पहले जामीन हेडक्वार्टर था उसको और उन लोग ने सरप्राइजली मतलब उन लोगों ने डिसाइड किया कि उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को पालिन में शिफ्ट करने का, असेंबली में अप्रूवल हुआ, कैबिनेट अप्रूव होकर असेंबली में बिल पास हुआ, लेकिन हम लोग और करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने उसको डिसीजन को वेलकम किया विथ 2 points ऑफ मेमोरेंडम, दो कंडीशन का साथ हम लोग एग्री किया था, वेलकम किया था। पहला पॉइंट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इमीडिएट फंडिंग, वन टाइम फंडिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालेन। इसलिए हम लोग डिमांड किया था कि क्योंकि जामीन में दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था, कंस्ट्रक्टेड हो चुका था, मोर देन 150 crores मनी इन्वेस्ट हो चुका था उसमें कि जामीन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना है बोल के, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है सरप्राइजिंगली डिसाइड किया कि
पालिन में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को शिफ्ट करेगा। सो दैट हम लोग ने उसको वेलकम करते हुए हम लोग बोला कि डिमांड किया था कि वन टाइम फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वन टाइम फंडिंग करो। हमको फर्स्ट ट्रैक डेवलपमेंट चाहिए। फर्स्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जल्दी होने के लिए आपका फंडिंग जरूरी है। तो इसलिए हमको इमीडिएट एंड वन टाइम फंडिंग चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट को शिफ्ट भी नहीं करना चाहिए, जो इतना करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए। तो शिफ्ट किया है तो पैसा ही होता होगा। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट करा था डिस्ट्रिक्ट को बैक बूथ पे धकेल के, 7 ईयर्स बैक बूथ में धकेल कर अभी हम लोग जीरो से स्टार्ट होना पड़ रहा है, स्टार्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी जहां से नए न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां में नोटिफाई किया वहां अभी जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी जीरो से हम लोग को स्टार्ट करना है। सो दैट वी कॉल करा था डिस्ट्रिक्ट डिमांडेड द वन टाइम फंडिंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालेर। हमारा करा दादी का 2016 से 41 फोर्स जो सेंशन हो गया था उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत लारा, उसमें इंक्लूडिंग 9 एलडीसी 9 यूडीसी एंड कवर 18 एमटीएस। लेकिन ये एपीएसएसबी जो है 9 यूडीसी एंड 14 एलडीसी को एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया, इंटरव्यू तो कंडक्ट हो गया, लेकिन एमटीएस 18 एमटीएस पोस्ट को अभी तक एडवर्टाइज नहीं कर रहा है। हम लोग ने पूछा कि क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, उन्होंने कहा कि यह स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ऑफर से ऑर्डर है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं होना है, ये ऑर्डर किस लिए उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। तो हम लोग का आज का डिमांड यह है कि उसको जितना जल्दी हो सके एमटीएस पोस्ट को 18 एमटीएस पोस्ट को भी एडवर्टाइजमेंट करना है। या तो दूसरा है, अगर एपीएसएसबी अगर आप कंडक्ट नहीं कर सक रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में ये एमटीएस पोस्ट को एडवर्टाइजमेंट करके वहां में इंटरव्यू कंडक्ट करने दो। ये हम लोग का डिमांड है। जब हमारा ऑनरेबल जो ये जो है होम मिनिस्टर जब पाली में आया था उस समय हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हमारा करादादी में फायर स्टेशन एस्टेब्लिशमेंट होना है। तो लास्ट टाइम हम लोग जब बंद कॉल किया था उस समय भी हम लोग इसको इंक्लूडिंग किया था, लेकिन उसमें बोला था कि हम लोग आप लोग का कर देंगे। तो हमने सोचा कि हो जाएगा, तो हम लोग ने फिर उस दिन फिर हम लोग फाइनेंशियल ईयर देखा, एसआईडीएफ देखा, क्या क्या देखा, सादा देखा, आरई देखा, कहीं में भी रिफ्लेक्ट नहीं है फायर स्टेशन का। सो दैट आज भी हम लोग का करा था डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का डिमांड कंटिन्यू है कि इमीडिएट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फायर स्टेशन एट करादादी डिस्ट्रिक्ट विद विल इक्विपमेंट के साथ, कि हम लोग को एक एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर एक चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, कि करादादी डिस्ट्रिक्ट जो है एक लिटरेसी जो रेट में है लोएस्ट लिटरेसी रेट में इंटायर स्टेट में और बैकवर्ड जो एक ये है। इसलिए हम लोग ने ये डिमांड किया था कि इसको एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्टमेंट लाना है, इम्प्रूवमेंट लाना है तो हम लोग को काउंसलिंग जरूरी है स्टूडेंट का ऊपर, पेरेंट्स का ऊपर, टीचिंग स्टाफ का ऊपर, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये डिस्ट्रिक्ट का अंदर में काउंसलिंग रिपीटली काउंसलिंग जरूरी है ताकि हम लोग को एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्टमेंट कर सके, अपग्रेड कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके। इसलिए हम लोग को एक एजुकेशनल काउंसलिंग सेंटर चाहिए, हम लोग ने ये बोला। उसको भी स्टेट गवर्नमेंट जो है डिनाई किया, जबकि अपना अपना जैसे किसी का रेसिडेंस एरिया में करोड़ ऑफ रुपया आप फंडिंग करता है या कुछ अननेसेसरी ये जगह में करोड़ ऑफ रुपया इन्वेस्ट करता है, ये जो है एक एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट लाने का जो एक हम लोग ने एक चीज एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए मांगा उसको आप डिनाई कर रहा है। इसलिए आज हम लोग ऑल करा देती डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ये चीज भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि मल्टीपर्पज एजुकेशन काउंसलिंग सेंटर भी इस्टेब्लिश होना है। तो ये डिमांड जो है पहले से हम लोग ये था, रिपीटली हम लोग रिमाइंडर लेटर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, कितना बार उसका ऑफिस से हम लोग गुजर के गया लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण से आज ऑल करादादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन डिक्लेयर फॉर द 12 आवर्स बंद कॉल एट करादादी डिस्ट्रिक्ट ऑन द 16th ऑफ दिस मंथ।
हम लोग एजिटेशन फॉर्म में अब आने आने का डिसाइड किया इन द फॉर्म ऑफ बंद कॉल, जो करा दादी में 12 आवर्स का बंद कॉल होगा 16th ऑफ दिस मंथ का।